हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सत श्री अकाल, नमस्ते, यादवर से राम राम। आज मैं आपको एक्सरसाइज करके जो डेली रूटीन होती है वो बता रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा मॉर्निंग एक्सरसाइज, अभी बस ये डेली रूटीन है और ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। अभी ये निकलने वाला है फिक्सेटर जो LRS है, और अपना एक्सरसाइज ये करते रहता हूँ ताकि स्ट्रॉन्ग रहे। वही है, वही एक सबसे बेस्ट और फास्ट इलाज है जो कि बोन हील करता है फास्ट। एक्सरसाइज पैर को, शरीर को मूवमेंट करो, मसल्स स्ट्रेस होगी, हड्डियों में जान आएगी, वही है। बाकी तो चूरन चपाटा अपनी जगह पे, और खुद की मेहनत अपनी जगह पे, और खुद के ऊपर विश्वास। तो बस जिससे कि आपको पता ही है, मेरा टीबिया फिबुला फीमर और नी टूटा है, तो हड्डी बनने में ज़्यादा टाइम लग गया था, तो अभी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। और ये LRS अभी बस 2-4 दिन में निकल जाएगा। तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग हो रही है हड्डी, और हो गई है। इतना इजी नहीं है, बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल जर्नी है ये। जब जिसको इलेजर लगा है या ये लगा है, एक साथ लगा है, उसे पता होगा स्टार्ट में तो हालत ख़राब हो जाती थी मोमेंट के लिए, बट करना है हमें और इसे जीतना है। तो ये मेरी जर्नी है, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक्स, आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। और ये फिक्सेटर बस फिर निकल जाएगा, फिर क्यों, टेंशन नहीं है। और एक्सरसाइज ही सबसे मेन है, और बाकी तो सब ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको बोला है एक्सरसाइज करने के लिए, तो ज़रूर कीजिए। वही सबसे मेन रीज़न है आपकी बोन को हील करने का, कैल्शियम एंड एक्सरसाइज। कैल्शियम की दवाई है एंड एक्सरसाइज। थोड़ा फिश को खाना डाल रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा दूसरा एक्सरसाइज। तो सबसे मेन है कैलस बनना, और हड्डियों में कैलस बनेगा एक्सरसाइज। मसल्स स्ट्रेस होंगी तो हड्डियों पे प्रेशर आएगा, और उसी हिसाब से जो है हड्डियाँ जो है जल्दी जुड़ती है। ऐसा नहीं है नहीं जुड़ती है, एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा तो थोड़ा और जल्दी जोड़ती है, और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा जल्दी जोड़ देगी। और जेनेटिक भी होता है, तो खुद से अपने आप को ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दोगे तो ही। लेग मूवमेंट, नी मूवमेंट का भी वैसे ही है मूवमेंट। लेग मूवमेंट जिसका स्टीफ हो जाता है वो अलग है, और पटेला टूटा है, और मेरा एक साथ सर्जरी नहीं कर सकते थे इसीलिए नहीं किया था। तो पूरी कहाँ कहाँ काटेंगे, फीमर काटेंगे ना से, फिर टीबिया फिबुला में एक साथ आप लोग ने देखा ही है, इलेजर ये था, नीचे भी था, ऊपर भी था, तो एक साथ सब कैसे होगा। तो वो घुटनों पे प्रेशर आएगा, इसलिए नी का रखा था लास्ट में। जैसे आपने वीडियो में देखा है, नी टूटा हुआ है, आपको दिखता ही है बाहर से तो, और वही है। और जैसे सीढ़ी चलता तो बहुत प्रेशर होता था, और अभी ठीक है, अभी ये सर्जरी हो गया नहीं का, अभी एकदम फर्स्ट क्लास है तुम्हारा भाई। और बस सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।